हमारे साथ मौजूद हैं करण मुंजाल, जो UIT में बायोटेक के स्टूडेंट हैं। तो मुंजाल जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र UIT तक कैसे पहुंचा, आपका सफ़र कैसा रहा और आप UIT में एंड कैसे लैंड हुए। मेरा UIT का सफ़र शुरू हुआ मेरे घर से और कुछ ट्रैफिक लाइट्स को पार करते हुए मैं UIT पहुंचा। मान लिया वो सफर तो आप रोज तय करते हैं, बट हम उस सफर की बात कर रहे हैं जिसने आपको अल्टीमेटली UIT में पहुंचाया। मैं UIT पहुंचा AIIIA एग्ज़ाम के थ्रू, जिसमें मेरा 65,000 के आसपास रैंक आया था। जी और प्लस वन प्लस टू में अपने टीचर्स के थ्रू जिन्होंने मुझे पढ़ाया और लोगों की विशेष के थ्रू और थोड़ी बहुत लक एंड थोड़ी बहुत मेहनत। और UIT पहुंचने के बाद आप कितने सेटिस्फाइड हुए? ज़्यादा नहीं, और उसका मुख्य कारण? मुख्य कारण तो सेटिस्फेक्शन लेवल आया नहीं, उस लेवल पे पहुंची नहीं जो खुशी मिलनी चाहिए थी। मतलब कि किस तरह की डेविएशन हुई आपके जो एक्सपेक्टेड आपका एक व्यू पॉइंट था, आपका एक्सपेक्टेड जो आपका सिनेरियो था, उसमें उससे किस तरह से डेविएट हुआ? देखिए, कॉलेज में लोग जो टीचर्स होते हैं, जैसे कहते हैं कॉलेज में पढ़ाते नहीं हैं, जी तो वो सच है। एक दो टीचर्स को छोड़ के कोई टीचर नहीं पढ़ाता, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप सेट में लूज होने जाता है और आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो इसलिए वो सेटिस्फेक्शन लेवल पहुंच ही नहीं पाता सब्जेक्ट के लिए। जैसे कॉलेज लेवल की जो एजुकेशन है वो बेसिकली आप जानते ही हैं कि वो पूरे इंडिया में यही कंडीशन है कि वो इतनी क्वालिटी के रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी कॉलेज से कंपैरिजन में UIT को काफ़ी बड़े बड़े मैगजीन ने काफ़ी अच्छे रैंक दिए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि UIT बिल्कुल आपकी सेटिस्फेक्शन पे ज़ीरो रहा। मतलब आपकी मतलब फिर भी मतलब आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर कोई एक कोई आस्पेक्ट, कोई पर्टिकुलर आस्पेक्ट में आपको कोई कमी लगी टीचिंग के सिवाय? देखिए, टीचिंग के अलावा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसपे मुझे लगा कि UIT कम है। हाँ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका इतना अच्छा नहीं है, जी बाकी सब कुछ है मेरे से, पर जो मेन चीज़ होती है वो टीचिंग ही होती है, कि जिससे हम सीखते हैं वो इतनी अच्छे लेवल पे नहीं है। अच्छा, तो अभी आप जानते हैं कि UIT काफ़ी यंग है, अभी 15 साल भी नहीं हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि 15 साल पुराने इस कॉलेज को हमें किस लेवल से जज करना चाहिए? क्या हम ज़्यादा ही जजमेंटल हो रहे हैं या हम सही हैं अपने कहने में? 15 साल तो काफ़ी, मतलब इसमें से 10 साल हो चुके हैं, 10 से 12 साल इस कॉलेज को, तो मेरे से काफ़ी होता है। एक रेपुटेशन बढ़ गई 10 12 साल, तो कह लीजिए इसकी जो इंडिया में रेपुटेशन है वो तो अच्छी है, जी पर वर्ल्ड लेवल पे कोई इसकी खास रेपुटेशन नहीं है। देखिए, वर्ल्ड लेवल पे तो IITs की भी कुछ खास रेपुटेशन नहीं है, उनको भी 400-500 पोजीशन पे देखिए, रखा जाता है। जो आप ये कह लीजिए, जो इंडिया का स्टाफ है, जो इंडिया के बच्चे हैं, वो कंपैरेटिवली जो वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो उनसे मैं कम तो नहीं, ज़्यादा भी नहीं कह सकता, पर इक्विलेंट है उस हिसाब देखिए से, कॉलेजेस उतने जी इक्विलेंट जी नहीं है। जी मैंने कुछ समय पहले इंटरनेट पे चेक किया था कि जो US के कॉलेजेस हैं कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल एडमिशन्स होती हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या रेट है, कि किस किस देश से कितने बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं। तो जहाँ तक मेरे जो मुझे वहाँ फिगर्स मिले, वहाँ पे अगर 1,000 बच्चों की बात की जाए, आउट ऑफ 1,000 स्टूडेंट्स 600 स्टूडेंट्स आर चाइनीज, 300 नियरली 300 आर इंडियन, और बाकी अलग देशों से हैं। तो आप नहीं समझते कि लगभग 30% अगर इनपुट US कॉलेजेस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इंडियन है, तो इंडिया के स्टूडेंट्स कुछ कैपेबिलिटी होगी उनमें, उनमें कुछ मैंने भी तो ये बोला कि इंडिया के स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट है, कम नहीं है कहीं। हाँ मैंने मतलब कॉलेजेस की बात की, कॉलेजेस उस लेवल के नहीं जिस लेवल के हमारे जो बच्चे हैं,
उस लेवल के कॉलेजेस नहीं है मेरे पास। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया के स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रॉपर पेडागोलॉजिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो वो एक्सेल कर सकते हैं, वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और ये हम देख भी रहे हैं बाहर जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं। और एक बात और देखिए कि जो भी हमारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं वो इंडियंस हैं, जो उन मुझे लगता है उनमें से सबकी ही हायर एजुकेशन बाहर हुई है। और तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में किस चीज़ की कमी है एजुकेशन फील्ड, एजुकेशन सेक्टर, जो गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर और प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर हर में जो डाउनग्रेड है एक क्वालिटी का और एक क्वांटिटी का भी, उसमें क्या फैक्टर प्ले करता है? क्या इंडिया के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकें, या फिर ये एक 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 मानसिकता ही है जो शुरू से चली आ रही है? देखिए, जो ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं वो सही जगह लगाई नहीं आती, और जो जो टीचर्स वगैरह हैं, जो भी अथॉरिटीज हैं, वो अपनी जॉब को सीरियसली नहीं लेते। तो तो यही दो मेन कारण है, करप्शन होगी और एक अपने काम को सीरियसली ना लेना, वो भी एक तरह से करप्शन ही है। आप जो आपको जिस चीज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, आप और वो काम डिलीवर ही नहीं कर रहे हैं, तो देखिए एक ये और दो बात, कारण है। मैंने जहां तक यूआईटी की बात है, तो यूआईटी में जहां तक मैंने देखा है कि हर टीचर के पास कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, ठीक है। तो वो टीचर भी एक एक मानस एक उसके एक डिलेमा में रहता है कि वो स्टूडेंट्स को हैंडल करे या फिर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को हैंडल करे। क्या आपको लगता है कि जो टीचिंग स्टाफ है कम से कम कि उसको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए ताकि वो पूरा ध्यान अपना टीचिंग पे दे सके? ऐसा जरूरी नहीं, अगर अगर वो टीचर हैंडल कर पा रहा है उस पोजीशन को अच्छी तरह से, और साथ में टीचिंग भी, तो उसको मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहा है हाँ तो जी। वो सिर्फ टीचिंग पे फोकस करे। और जहां तक रिसर्च की बात है, तो यूआईटी में रिसर्च से आपका मतलब क्या, आप उसको किस लेवल पे रेट करेंगे या फिर मुझे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। वो यही रीजन होती है? चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जहां तक यूआईटी की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट प्लेसमेंट ऑफिसर्स को दी जाती है, उसके मुताबिक यूआईटी में इमेज प्रोसेसिंग की रिसर्च होती है, यूआईटी में वीएलएसआई सर्किट्स की रिसर्च होती है, यूआईटी में वाईफाई की रिसर्च होती है। आपको क्या लगता है? बायोटेक की कुछ होती है? बायोटेक का मुझे याद नहीं है, लेकिन आप रिसर्च डॉक्यूमेंट चेक कर, डॉक्यूमेंट जो टीपीओ के पास होते हैं, जो प्लेसमेंट ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, उनमें आप चेक कर सकते हैं। मतलब कि जहां तक मैंने देखा है, लगभग हाँ अराउंड 18 लाख से 20 लाख, 10 लाख, इतने अमाउंट्स अलोकेट किए जाते हैं किसी रिसर्च प्रोजेक्ट को जिसको यूआईटी के प्रोफेसर हैंडल करते हैं। तो आपको उससे कोई लगता है कि यूआईटी में ऐसा कुछ होता है? कुछ लोगों को तो पता भी नहीं, मतलब नहीं, ये तो पता था कि होता है, पर किस चीज के रिलेटेड वो होती है रिसर्च ही नहीं पता था। और यूआईटी में जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो एमई के स्टूडेंट्स हैं, उनसे आपको लगता है कि अगर हमारी इंट्रैक्ट अगर जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका इंट्रैक्शन ग्रेजुएट स्टूडेंट से कुछ इम्प्रूव किया जाएगा तो कुछ बेटरमेंट हो सकती है? और अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं, अगर उनको भी रिसर्च में थोड़ा इंक्लूड किया जाए, और बेसिकली अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ही रिसर्च में एक्सपोज किया जाए, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, ये ज़रूर होना चाहिए, इससे जो स्टूडेंट है उसकी स्किल्स बढ़ेंगे, टेक्निकल नॉलेज बढ़ेगी, और उसको भी रिसर्च के बारे में कुछ अंदाज़ा होगा, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी साथ में। जी, तो आप बायोटेक से हैं, जी तो आप पर्टिकुलरली क्या सजेशन देना चाहेंगी अपने डिपार्टमेंट के टीचर्स को ताकि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सके, स्पेसिफिकली बायोटेक डिपार्टमेंट में? सिलेबस पूरा किया जाए जो सेट में आप आता है। जो टीचिंग स्टाफ है, हाँ, अच्छा ठीक है। और इक्विपमेंट भी जो जो खराब है उन्हें साथ क्या ठीक करा जाए। फीस काफी वैसे भारी भरकम है, उस सब से जी। उस सब से ठीक हो जाना चाहिए सब कुछ जी जी जो इक्विपमेंट्स है। और सिलेबस स्टूडेंट्स को खुद करने के लिए ना बोला जाए, और अगर बोला जा रहा है तो कम से कम जो क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, जो आपने सिलेबस नहीं कराया, वो सिलेबस में दिया तक नहीं हुआ, उसके ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। जैसे आपने अभी सिलेबस की बात की, क्या आपको लगता है कि जो सिलेबस
अब प्रिस्क्राइब किया जाता है इंडिया में, मान लीजिए IITs में, UITs, NITs में, UIT जैसे कॉलेजेस में, वो काफ़ी ज़्यादा है रिलेटेड टू इन कंपैरिजन विद जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उनके मुताबिक। मेरे को इंटरनेशनल गाइडलाइंस के बारे में तो नहीं पता था, पर जो बाकी कॉलेजेस में जो फॉरेन में हैं, जो आउट ऑफ इंडिया कॉलेजेस हैं, उनमें जो सिलेबस होता है उनमें से वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और उनका सिलेबस भी सब्जेक्ट जितने होते हैं कम होते हैं कंपेरेटिवली, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज से। देखिए आपका जो बायोटेक है वो तो बेसिकली प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिकल फील्ड है, तो आपको कितना एक्सपोज किया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज? देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज तो काफ़ी दी जाती है, अभी तक जितना मैंने प्रैक्टिकल्स लाए हैं उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज तो दी जाती है, स्टूडेंट्स खुद परफॉर्म करते हैं अपने जी प्रैक्टिकल्स। जी और क्या इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को मौका मिलता है? जी समय अगर हो और जितना प्रोजेक्ट हो, अगर छोटा प्रोजेक्ट हो तो सबको मौका दिया जाता है, अगर थोड़ा बड़ा है तो ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, जी या फिर इंडिविजुअली एक एक टास्क दे दिया जाता है, जी जी तो उस हिसाब से सबको कुछ ना कुछ पता चल जाता है उसके रिलेटेड में। और जो आपने इक्विपमेंट के रिलेटेड जो आपने पॉइंट जाहिर किया, ये मतलब कि क्या कोई ऐसे कोई वो चेकिंग, कोई ईयरली हाफ ईयरली ऐसे कोई इक्विपमेंट का कोई वेरिफिकेशन चेकिंग नहीं होता है कि वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? अभी तो मेरे को 6 मंथ्स ही हुए हैं 6 मंथ्स सिर्फ जो लैब्स प्रैक्टिकल्स में। लैब्स वगैरह में, तो अभी मेरे को कुछ पता नहीं, पर मेरे को लगता नहीं कि अगर होती होती साथ क्या ठीक हो जाना चाहिए था। और किस तरह के इक्विपमेंट की आप बात कर रहे हैं, कोई माइनर इक्विपमेंट्स या फिर कोई मेजर नहीं, इक्विपमेंट्स? माइनर तो नहीं, मेजर इक्विपमेंट जैसे अब किसी जगह एक वो ऐसे कोई मशीन है मशीन ठीक है, वो खराब हो गई है, इम्पोर्टेंट मशीन है, बच्चों चला कर दिखानी है। सेंट्रीफ्यूज हाँ सेंट्रीफ्यूज तो चलो फिर भी चलते हैं, ड्राई फ्रीजिंग करनी है ड्राई फ्रीजर तो वो इक्विपमेंट नहीं चलती। जी, तो फिर अगर वो नहीं चलती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? एक्सपेरिमेंट ही ड्रॉप। एक्सपेरिमेंट नहीं, जैसे अगर उसे बोला गया कि ये एक इक्विपमेंट है उसके बारे में लिखना है, अच्छा तो टीचर थोड़ा बहुत जैसे हमारा CBT कंसेप्शन बाय टेक्नोलॉजी, तो उसमें हमें हर इक्विपमेंट्स के बारे में बताया था कि इक्विपमेंट ऐसे है, इंट्रोडक्टरी लेवल पे। इंट्रोडक्टरी लेवल पे चला कर दिखाया जाता है, जी तो उसमें जब हमें जब चला कर ही दिखाया जाएगा हमें दिखाई नहीं जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके अपने से बात करने के लिए, थैंक यू। शुक्रिया।